नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कम्युनिकेशन के बारे में। कम्युनिकेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन सिस्टम बनाने के लिए क्या बेसिक एलिमेंट्स की ज़रूरत होती है, और कम्युनिकेशन सिस्टम को चैनल के आधार पर हम किस तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन, कम्युनिकेशन इज ए प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इन्फॉर्मेशन फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन और फ्रॉम ट्रांसमिटर टू रिसीवर। तो कम्युनिकेशन की मदद से हम इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट कर सकते हैं सोर्स से डेस्टिनेशन की तरफ या फिर ट्रांसमीटर से रिसीवर की तरफ। तो कम्युनिकेशन एग्जिस्ट एवरीवेयर, कम्युनिकेशन हर जगह मौजूद है। अगर आप सुबह सुबह न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आप इन्फॉर्मेशन ले रहे होते हैं, वो भी कम्युनिकेशन का उदाहरण है। आप ईमेल कर रहे हैं, चैट कर रहे हैं, फ़ोन पर बात करते हैं, टीवी देखते हैं, जीपीएस ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है उसकी मदद से अपनी लोकेशन ट्रेस कर रहे हैं, एक दूसरे से आप बातचीत कर रहे हैं, ये सब कुछ कम्युनिकेशन के अंदर ही आता है। आई एम ऑल्सो कम्युनिकेटिंग विद यू विद द हेल्प ऑफ दिस वीडियो लेक्चर। मैं आपसे खुद कम्युनिकेट कर रहा हूँ इस वीडियो लेक्चर की मदद से। सो आई कैन से कम्युनिकेशन मेक्स लाइफ सिंपल। अगर कम्युनिकेशन नहीं होगा तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लाइफ कितनी डिफिकल्ट हो जाएगी। तो बेसिक ब्लॉक डायग्राम के बारे में बात करते हैं। कम्युनिकेशन सिस्टम का बेसिक ब्लॉक डायग्राम बनाने के लिए तीन चीज़ों की जरूरत होगी। कोई भी कम्युनिकेशन सिस्टम आप बनाना चाह रहे हैं तो ट्रांसमीटर, रिसीवर एंड चैनल। ट्रांसमीटर में इन्फॉर्मेशन सोर्स हो सकता है, सोर्स ट्रांसड्यूसर हो सकता है, चैनल है वो वायर्ड हो सकता है और वायरलेस हो सकता है, रिसीवर में रिसीवर ट्रांसड्यूसर डेस्टिनेशन। इन्फॉर्मेशन सोर्स के बारे में अगर बात करते हैं तो वॉइस सिग्नल हो सकता है, ऑडियो सिग्नल हो सकता है, वीडियो सिग्नल हो सकता है। वॉइस सिग्नल है उसका फ्रीक्वेंसी 300 हर्ट्ज से 3.5 किलोहर्ट्ज तक होता है। ऑडियो सिग्नल का फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलोहर्ट्ज तक होता है। वीडियो सिग्नल का 0 से 4.5 मेगाहर्ट्ज तक होता है। यहाँ पर अगर आप एक चीज़ देखें, वॉइस सिग्नल और ऑडियो सिग्नल, तो इसमें जो फ्रीक्वेंसी है ऑडियो सिग्नल में, वॉइस सिग्नल की फ्रीक्वेंसी इसके अंदर ही आ रही है, क्योंकि 300 हर्ट्ज से 3.5 किलोहर्ट्ज है, ये 20 से 20 किलोहर्ट्ज है, तो इसके अंदर ही आ रही है। तो जल्दी लोग कन्फ्यूज रहते हैं कि वॉइस सिग्नल और ऑडियो सिग्नल में क्या डिफरेंस है। तो जो साउंड वोकल कॉर्ड से जनरेट होती है, हमारे गले से जो आवाज़ निकलती है, उसे हम वॉइस सिग्नल के अंदर रखते हैं। और कोई भी आवाज़ क्रिएट होती है, जैसे कोई हॉर्न बजा रहा है, विसिल है, और भी कोई साउंड है, सपोज़ मैंने ये साउंड क्रिएट की, तो ये सब ऑडियो सिग्नल के अंदर आएगा। और वीडियो सिग्नल आप जानते ही हैं, तो ये इन्फॉर्मेशन सोर्स हो सकता है। मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ ऑडियो सिस्टम का। तो ऑडियो सिस्टम में हम वॉइस अप्लाई करते हैं। वॉइस एक फिजिकल सिग्नल होता है, वॉइस इलेक्ट्रिकल सिग्नल नहीं है। वॉइस अगर इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता तो मेरे बोलने पर सभी को करंट लग जाता, ऐसा तो नहीं होता। हम किसी को बोलते हैं तो किसी को करंट नहीं लगता, तो ये एक फिजिकल सिग्नल है। तो इसे हमें वायर पर ट्रांसमिट करना है, तो उसके लिए इसे हमें कन्वर्ट करना होगा इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में। तो एक सोर्स ट्रांसड्यूसर हम यूज़ करते हैं। अगर मैं ऑडियो सिस्टम की बात कर रहा हूँ तो वहाँ पर हम माइक यूज़ कर रहे होते हैं। तो जब आप बोलते हैं तो माइक में बोलते हैं ना, तो माइक क्या करता है, फिजिकल सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, हम उसे चैनल पर आसानी से प्रोपगेट कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल वापस रिसीवर पर पहुंचता है, तो रिसीवर पर स्पीकर, अगर हम ऑडियो सिस्टम की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर स्पीकर लगे होते हैं, तो स्पीकर रिवर्स ऑपरेशन करते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को फिजिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि अब आपको इसे अपने कानों से सुनना है। जो ऑडियंस है बेसिकली, तो वो फिजिकल सिग्नल को ही सुनेंगे। तो रिसीवर ट्रांसड्यूसर ने क्या किया, इसने इलेक्ट्रिकल सिग्नल को फिजिकल में कन्वर्ट कर दिया और आपने फिर उस सिग्नल को सुन लिया। तो ये कंप्लीट एक कम्युनिकेशन हो गया। यहाँ पर इंफॉर्मेशन थी, उसे हमने ट्रांसमिट किया विद द हेल्प ऑफ चैनल टू द रिसीवर। ठीक है, तो सोर्स ट्रांसड्यूसर कन्वर्ट फिजिकल सिग्नल इनटू द इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट, चैनल इज द मीडियम थ्रू विच सिग्नल इज प्रोपेगेटेड, रिसीवर ट्रांसड्यूसर कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल इनटू द फिजिकल सिग्नल इक्विवेलेंट, ये हमने यहाँ पर लिख भी दिया है। तो आई थिंक ये समझ में आया होगा। तो अभी जो हमने कम्युनिकेशन सिस्टम देखा था वो वायर्ड कम्युनिकेशन सिस्टम था। यहाँ पर जो ट्रांसमीटर एंड रिसीवर, ये दोनों आपस में जो कनेक्टेड हैं वो एक वायर की हेल्प से कनेक्टेड हैं, तो इसे हम वायर्ड कम्युनिकेशन सिस्टम कहेंगे। तो वायर्ड कम्युनिकेशन सिस्टम है दैट आर प्रिफर्ड फॉर शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन। अगर आपको कम दूरी पर कम्युनिकेशन करना है तो वायर्ड कम्युनिकेशन सिस्टम को प्रेफर करेंगे। लेकिन अगर आप ज़्यादा दूरी पर कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, आपको बहुत लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन करना है, तो उस केस में हम वायरलेस कम्युनिकेशन को प्रेफर करेंगे, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस पे आप वायर तो नहीं ले जा सकते। जैसे अगर आपको ओवर द सी कम्युनिकेशन करना है तो समुद्र में होके तो वायर नहीं ले जाओगे, या फिर आप चाह रहे हैं कि आपको दिल्ली से बॉम्बे कम्युनिकेट करना है तो वहाँ से ही वायर ले जाएंगे, बहुत कॉस्टिंग होती है, बहुत सारे रीजन्स होते हैं। उसके अलावा और भी कुछ फिजिकली प्रॉब्लम्स हैं, उन्हें भी हम बात करेंगे आगे।
तो यहाँ पर हमने वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम का डायग्राम दिखाया है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो एक एडिशनल चीज़ आपको दिखाई दे रही होगी, मॉड्यूलेटर और एक एंटीना। तो किसी भी वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम की बात करते हैं तो वहाँ पर एंटीना जरूर मौजूद होगा, ट्रांसमिटिंग एंटीना, रिसीविंग एंटीना। बिकॉज इस केस में हम जो सिग्नल है उसे फ्री स्पेस में ट्रांसमिट करना चाह रहे हैं। यहाँ पर वायर मौजूद नहीं है तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल ट्रांसमिट नहीं हो सकता। फ्री स्पेस में अगर आपको सिग्नल ट्रांसमिट करना है तो आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की रिक्वायरमेंट होगी, ईएम वेव्स की जरूरत होती है। तो यहाँ पर हमने एक एंटीना यूज़ किया है। तो एंटीना एक ऐसी डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ईएम वेव्स में कन्वर्ट करता है और वापस फिर ईएम वेव से इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर सकता है। तो इसलिए यहाँ पर हमने एंटीना लगाया है। मॉड्यूलेटर के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे कि मॉड्यूलेटर क्यों लगाते हैं, व्हाट इज द नीड ऑफ मॉड्यूलेटर, मॉड्यूलेटर की मदद से हम मॉड्यूलेशन करते हैं। तो बेसिकली हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे व्हाट इज द नीड ऑफ मॉड्यूलेशन। तो जनरली फॉर लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन थ्रू फ्री स्पेस मॉड्यूलेशन इज रिक्वायर्ड। फ्री स्पेस में अगर आप कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं लॉन्ग डिस्टेंस पे तो मॉड्यूलेटर की जरूरत होती है, वो हम आगे वाले लेक्चर में देखेंगे। और बाकी तो इसमें सेम वर्किंग है, मॉड्यूलेटर हमने यूज किया है तो इसका रिवर्स डिमॉड्यूलेटर भी यूज करना पड़ता है। बाकी वही रिसीवर ट्रांसड्यूसर हमने यूज किया है, डेस्टिनेशन। तो आई थिंक आप इजीली इसका ऑपरेशन है उसे लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।